नमस्कार आदाब नमस्कार, आदाब, वेलकम 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 जी भाई। धन्यवाद। आज ऐड किया आपने। लास्ट टाइम मैं बहुत देर तक रुका था, आपने ऐड नहीं किया था जब आप बुद्ध की बात कर रहे थे। ओहो, मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, बहुत रश पड़ा हुआ था उस दिन, क्या करता। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए आज बुद्ध की बात नहीं हो रही है। आज आपने टॉपिक अपना इस्लामोफोबिया रखा है, तो नहीं, इस्लामोफोबिया टॉपिक उसी नहीं है। नहीं, आपकी जो टाइटल था उसमें इस्लामोफोबिया लिखा हुआ था। नहीं चलिए नहीं वो आपकी लिखा मैंने है उसमें, मैंने और लिखा भी हुआ है आपने इनवाइटिंग इनवाइटिंग इस्लामोफोब्स। वो मैंने स्पेशल इसलिए रखा कि हम इनवाइट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है ये है। तो जरा बता दें ए भाई, ठीक आप है। तो हमारे चलिए, सनातनी भाई हैं। हाँ जी, मैं रिलीजन वाइज तो सनातनी हूँ। ठीक है, ठीक है, वैसे तो मेरा रिलीजन को लेकर के अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक जी। है, कि रिलीजन को कैसा होना चाहिए। बट जो कहते हैं ना कि हाँ, जो मेरे पूर्वज हैं और जो मेरे एंसेस्टर हैं और करंट में सब हिंदू हैं। हाँ तो जी, मेरा रिलीजन को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ये क्या रिलीजन नाम जो रखा हुआ है है, भाई, एक मिनट रुकिएगा। पवन फ्रॉम हीटेड पिछवाड़ा, सनातन इज कल्ट। यार ऐसे ना करें भाई, मैं नहीं लूंगा इस तरह, धर्म को गाली ना निकालें किसी को। जी जी मेरा भाई, देखिए, जो धर्म बने, जो मजहब बने, ठीक है, वो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बने, क्योंकि अच्छा बहुत सारी एशियंट सिविलाइजेशंस आई, उसमें कितनी तो आज के समय में गायब हो गई। ठीक है, सबके यहाँ अपने अपने एक लिविंग के स्टैंडर्ड्स रहे हैं कि उनको सोसाइटी में कैसे रहना है। और आज भी बहुत से, मतलब मैक्सिमम लोग, क्योंकि उस समय पे मजहब या रिलीजन को सोसाइटी को व्यवस्थित, सोसाइटी को एक मैनेज करने के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, अगर आज के समय में देखा जाए, आज की फिलॉसफी तो यही कहती है कि भाई साहब, इंसान बढ़िया हो, बाकी उसका रिलीजन, उसका मुझे मजहब समझ कुछ नहीं आ कोई रही, भी हो। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। कोई आप जो बात कर रहे हैं, मैं कहाँ से डिसएग्री करूं। आप बात ही जो कर रहे हैं, आप इंसानियत के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि करूं क्या, मैं बात आपसे क्या करूं। नहीं ठीक है, नहीं तो फिर अब हम लोग अब आते हैं क्रिएटर, और जो आप लोग बात कर रहे थे देव साहब से। वो यार, वो ठीक देव है, साहब से और उस टॉपिक उनके साथ डिसाइड हुआ था, बात हो रही थी। आपका कुछ सवाल है, अब मैंने क्वेश्चन आंसर से, इस्लाम पर कोई एतराज है, कोई सवाल है तो रख दें। हाँ तो ये चलिए, हाँ ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि आजकल एक इस्लामो, चलिए फोबिया ही वर्ड यूज चल रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, तो इस्लामो फोबिया ऐसा वर्ड क्यों चल रहा है? इतने सारे लोग आजकल इस्लाम से डरे हुए क्यों हैं? अच्छा, फोबिया का मतलब पता है आपको। हाँ, डर, एक तरीके नहीं से नहीं नफरत या घृणा या डर, इस्लाम के प्रति नफरत या घृणा या डर, नहीं 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 यही नहीं नहीं इस्लाम। वो डर हाँ तो डर आप ही जो होता है ना, बताइए। डर जो होता है ना, या भय या डर, उसको फियर कहते हैं, फियर। ठीक है ना, फोबिया और चीज है। तो इस्लामोफोबिया क्या का है मतलब होता फोबिया? है कि हाँ, इरेशनल एक्सट्रीम फेयर किसी ऐसी चीज के बारे में जो रियल ना हो, यानी हाँ जो तो भाई उतनी वही ज्यादा एक्सेप्टेड ना एक्सट्रीम हो। फियर या फियर या डर, वही बात हो गई। हाँ इरेशनल 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 का मतलब ये है तो ऐसा कि क्यों है, आप, ऐसा हाँ क्यों उसकी है? वजह, हाँ उसकी वजह ये है, मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉरपोरेशन है जी, ज्यादा जो शुरू हुआ है ना, जो ज्यादा मुझे समझ आई है, जो ज्यादा शुरू हुआ है, वो हुआ है 9/11 के बाद। 9/11 हाँ, प्लान की गई, वेस्टर्न उसका कंट्रीज डॉक्यूमेंट, में। जी, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां से ये ज्यादा, क्योंकि मीडिया भी उस वक्त ज्यादा उठा था, तो पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। और टर्म्स बोली जाती थी कि एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने बोली जाती टेररिज्म थी, को, अभी भी जी बोलते हैं जी लोग। हाँ, तो टेररिज्म का एक फेस बनाया और उसको मेकअप करके यूनिफॉर्म दिया इस्लाम का। यानी अगर किसी को टेररिज्म दिखाना होता था ना, तो वो दाढ़ी टोपी होने चाहिए। मुझे लेकिन बोलने सर देगा कि आज बीच में ये भी, बोलेगा, हाँ मुझे बोलने दोगे कि बीच में बोलोगे। बोलिए, पहले भी आया था, मैं बात देव भाई से, कितने अच्छे से बात हुई, कितने अच्छे से चलिए आप बात हुई। ये बोलिए। पहले आपसे पहले वाला आया, वो भी मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं फिर उस तरह अपने आऊं। ऐसे ना करो यार, मेरे भी ठीक तो है, आप सामान रखो ना। बोलिए। मैंने आप इतना बोला, आप इतना बोले, मैंने कुछ कहा, ये क्या बात है यार। ठीक है, ऐसे ना करो, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, जहां भी उन्होंने लेबल करना होता था, वो लेबल ये करते थे कि
जनाब अगर किसी टेररिस्ट को दिखाना है उसको जनाब दाढ़ी में दिखाना है, टोपी में दिखाना है, ठीक है। आज भी इंडियन बॉलीवुड की मूवीज के अंदर देखें, जब किसी दहशतगर्द को दिखाना है उसको सुरमा लगा देंगे, तवीज बना देंगे, टोपी बना देंगे, वो लाल कलर का रुमाल पहना देंगे और जनाब दिखाएंगे बड़ा नमाज पढ़ रहा है, दरगाह पर जा रहा है और उसके बाद बम फोड़ रहा है। ये दिखा रहे हैं। क्या सारे मुसलमान ऐसे हैं? नहीं भाई, नहीं है। तो 9/11 के बाद बेसिकली एक कॉरपोरेशन थी RAND, उस कॉरपोरेशन ने मुस्लिम्स को स्टडी किया। मेरे पास CIA की रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें मुसलमानों को स्टडी करवाते हुए उनके सिंबल्स को बताया गया कि ये इनके सिंबल्स हैं, इनको टारगेट किया जाए। यही वजह है कि 9/11 के बाद बड़ी तादाद में वेस्ट के अंदर मुसलमानों ने क्लीन शेव करना शुरू कर दी, हिजाब उतार दिए। करण जौहर की मूवी थी माय नेम इज खान, वो बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाई गई है। आप देखें कि शाहरुख खान की जो भाभी है उसका हस्बैंड जो है अपने हाथ से उसका हिजाब उतारता है, वो तो नॉर्मल लोग थे, उनका हिजाब उतार दिया गया। इसको कहते हैं इस्लामोफोबिया। यानी बड़े पैमाने पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जिससे मुसलमान को देखते ही टेररिज्म का ख्याल आए, और जहां नाम नजर आए कि ये मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, बुरका है, तो नजर आए कि ये जनाब टेररिस्ट है। और इसको फिर बाय किया इंडिया ने। इस वक्त टॉप हेट मॉन्गर्स जो हैं वो स्टैट्स के मुताबिक पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर से इस्लामोफोबिया के ट्वीट्स और इंफॉर्मेशन जा रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्टैटिस्टिका का रिपोर्ट आई थी कि टॉप फेक न्यूज जहां से फैल रही है उसमें टॉप वन के ऊपर इंडिया है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये स्टैटिस्टिका की रिसर्च आई है डाटाबेस से, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो सिर्फ इतनी बात है मेरा भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लामोफोबिया इस तरीके पर फैला है। अब देखें, इमरान खान जो है वो PM था पाकिस्तान का, उस बंदे ने जाके UN के अंदर तकरीर की और इस्लामोफोबिया का डे रेजोल्यूशन पास करवाई कि इस्लामोफोबिया को रियलिटी माना जाए कि फोबिया है। इस्लामोफोबिया एक पॉजिटिव चीज नहीं है, ये एक नेगेटिव चीज है सोसाइटी में हेट फैलाने के लिए, मगर ये एग्जिस्ट करता है। UN के अंदर इसकी रेजोल्यूशन पास हुई और इस्लामोफोबिया एज अ डे के तौर पर रिकग्नाइज किया गया कि पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जाए कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। अगर कोई टेररिज्म कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। ये अजीब बात है कि जब न्यूजीलैंड के अंदर एक कट्टर जो नाजी किस्म का सोच रखने वाला क्रिश्चियन है वो मस्जिद के अंदर ऑटोमेटिक वेपन लेकर जाकर भून कर रख देता है और उसके साथ लाइव टेलीकास्ट करता है फेसबुक के ऊपर, उस वक्त सारे निकल कर कहने लगे ये जी कोई साइकोपैथ था, ये कोई जनाब मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी ये है। अभी जो जयपुर के अंदर जो अपना था, क्या उसका नाम है, जयपुर ट्रेन के अंदर जिस बंदे ने उड़ाया, क्या नाम था उसका, सिंह, वो जो हिंदू था जिसने कहा योगी को वोट डालो, मोदी को वोट डालो, उसने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर शूट किया, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक तो जिस बग्गी के अंदर से वो गुजरा, जिस बॉक्स के अंदर से ट्रेन के, उस सेक्शन में एक लड़की थी जिसने हिजाब पहना हुआ था, चेतन, हाँ चेतन सिंह, थैंक यू चेतन सिंह, उस बंदे ने, वो ट्रेन का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले ने भून के रख दिया, उसने एक लड़की को हिजाब जिसने किया हुआ था गन पॉइंट के ऊपर कहता है JSR का नारा लगाओ, ये जय श्री वाला, ये नारा लगाओ, उसको कहा और उसको कहता ऊंची बोल। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यूज सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, मैंने दिखाई थी प्रोग्राम के अंदर। मकसद कहने का ये है, अच्छा फिर वीडियोस आती हैं, केस से बाहर, अदालत से बाहर लोग निकल रहे हैं, मीडिया का कार्ड पहन कर लोग आते हैं, JSR का नारा लगाकर गोलियों से भून कर रख देते हैं, पूरी लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के अंदर जाती है, सारे लोग देखते हैं JSR का नारा मारकर गोलियां मारी, पिस्टल से गोलियां मारी और जमीन पर लेट गए हाथ ऊपर करके। तो मकसद कहने का ये है, क्या हम उनको सनातनी कहेंगे? ऑब्वियसली सनातनी कहेंगे नहीं, हम तो ये बात नहीं करते। इसी तरह हम कहते हैं जो लोग अगर इस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म का, गलत नाम से मासूमों की जान ले रहे हैं, हम उनको बिल्कुल कहते हैं यान इस्लामिक है, इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता मासूम को लो। अब फिर भी जानबूझकर अगर हम पर थोपा जाएगा, इस चीज को बोला जाता है इस्लामोफोबिया। इतनी सी बात है मेरा भाई, अब अपनी बात रख लो ए भाई, कह के हम आगे बढ़े। जी 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 जी, मैंने आपकी बात बहुत बढ़िया से सुनी और ये सही बात है, ठीक है। लुच्चे लफंगे 10-15 हर जगह ऐसे होते हैं, हर कंट्री में। अमेरिका के लोग तो खुद को ही बंदूक उठा के शूट कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे पूरी दुनिया में, ठीक है, जितनी भी ये मैक्सिमम आतंकवादी संगठन ग्रुप जो निकलते हैं, ठीक है, वो सारे इस्लाम बेस्ड ही क्यों होते हैं? फिर उन लोगों को भी तो समझना चाहिए। अब आप मोस्ट टॉप की जो आतंकवादी संगठन उठा के देख लेंगे, सब इस्लामिक बेस्ड ही हैं। सर्वेस कौन करवाता है ये सर्वेस? ऑल ओवर वर्ल्ड, UN के जो टॉप बैंड हैं,
यूनाइटेड नेशन में जो टॉप के बैंड जो प्रतिबंधित हैं वो मैक्सिमम आप यूएन के सर्वेस पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने यूएन का सर्वेस हो गया और हर कंट्रीज का इंडिविजुअल ही हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम यूएन को लेकर चलते हैं, यूएन के सर्वे पर आप यकीन करते हैं कि वो सर्विस ठीक है? नहीं, मेरे पास साथ चले, ऐसे जंप नहीं करना, जंप नहीं करना, जंप नहीं करना, जंप नहीं करना। यूएन सर्वेस पर आप ऑन करते हैं? बिल्कुल, यूएन का सर्वे अगर देखा जाए तो एक तरीके से ऑथेंटिक ही होता है। और इसके साथ में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बस एक बात ऐड कर लूं, और तो और छोड़िए, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने भी ऐसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन ग्रुप को बैन कर रखा है, जैसे सौदी अरेबिया हो गया। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू, पॉइंट आ गया। यूएन पे आ जाते हैं, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल पे आ जाते हैं, न्यूट्रल अंपायर्स को ले लेते हैं। यूएन की ह्यूमन राइट्स की वॉच टीम कहती है कि इस्लामोफोबिया टॉप नॉच, टॉप क्लाइमेक्स के ऊपर है इंडिया के अंदर, वही यूएन कहती है। उसी यूएन के सर्वेज ने बताया है कि आरएसएस, वीएचपी और ये जितने संगठन हैं ये किस तरीके से आतंकवाद माइनॉरिटीज के खिलाफ करते रहे, वही यूएन कहती है, ह्यूमन राइट्स वॉच। मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर दिखाया, मेरा आवाज़ हक लाइव के ऊपर प्रोग्राम है कौन बनेगा मसीहियों का मसीहा, उसके अंदर मैंने इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के रिपोर्ट्स दिखाई हैं, केसेस दिखाए हैं जो यूएन, जो एनजीओ आकर सर्वे करके गई है इंडिया के अंदर कि किस तरीके से मसीही बरादरी के साथ, मुस्लिम बरादरी के साथ, बुद्ध बरादरी के साथ मार धाड़ और काट पाट की जा रही है, वही यूएन के सर्वेज हैं। मगर आप उसको नहीं मानेंगे, उन यूएन सर्वेज को, क्योंकि वो आपके पक्ष में या आपके एजेंडे को सूट नहीं करते। अब वापस आ जाते हैं, ये याद रखना है रैंकिंग कौन करता है इन चीजों की। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि मैं हर किस्म की मिलिटेंट और टेररिज्म एक्टिविटी करने वालों को किसी धर्म में के अंदर भी हो, किसी धर्म में भी, चाहे वो इस्लाम में हो, यानी इस्लाम में नहीं सॉरी मुसलमानों में हो, या चाहे सनातनियों के अंदर हो, चाहे क्रिश्चियंस के अंदर हो, या किसी जगह पर भी हो, किसी कम्युनिटी के अंदर, हम उनको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी, हाँ अलकायदा को बनाने वाला कौन था, कौन था? कोंडोलिज़ा राइस एक्सप्लेन करती है अपनी किताब के अंदर कि कैसे उन्होंने फंड किया। हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की जनाब चहेती हिलरी क्लिंटन तकरीर करते हुए कहती है कि अलकायदा को फंड करने वाले हम लोग थे। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर लड़नी थी अमेरिका। आपके अबू बकर बगदादी को, यही जिसको आप कह रहे हैं आईएसआईएस, आईएसआईएस के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, इनको खड़े करने वाला कौन था? अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है कि इनर सेल्स को एक्टिव करने वाले कौन थे और इनको ट्राइब्स की शक्ल में बांटने वाले कौन थे? आपका सीआईए। इराक 2003 के अंदर जरकावी को खड़ा करने वाले कौन लोग थे, जिसको आज नाम लिया जा रहा है? ठीक है, हम बड़े बड़े उनको मुजाहिदीन माने, बड़े बड़े लोग माने, मगर बाद में जाकर पता चलता है कि ब्लैक वाटर कैसे काम कर रही थी। ब्लैक वाटर, उस पर केस चला रिसेंटली, क्या नाम है उसका, एरिक प्रिंस, क्या नाम है, मुझे नाम बताना जरा, ब्लैक वाटर का जो हेड है एरिक प्रिंस, इसके ऊपर पूरी किताब मौजूद है, बैन कर दिया, बेस्ट सेलर गई उस किताब को, बैन कर दिया। तो वो ब्लैक वाटर के एजेंट्स सीआईए, मोसाद के और MI6 के एजेंट्स फंड करके जब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रशिया के खिलाफ यूज करते थे तब तो इनकी चहेती थी, मगर जब रशिया टूट गया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान और दूसरी स्टेट्स छोटी छोटी टूट गई, तो उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये हमारे लिए थ्रेट है। स्पेशल ऑप्स नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है, उसकी पहली एपिसोड देखें, एंड 9/11 से पहले ही ब्रीफकेस भरकर डॉलर्स के ये लोग क्या करने गए थे, तालिबान की हुकूमत को पलटने के लिए 1990s में, अभी तो 1/11 और 9/11 हुआ भी नहीं था। तो कहने का मकसद यह है, आपको यह जानना है इस चीज को, कि जो लोग टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर इनको रैंक कर रहे हैं वही इनके क्रिएटर हैं, अपनी किताबों के अंदर मान चुके हुए हैं। ठीक है मेरा भाई, यह चीज समझना है। टीटीपी के साथ मीटिंग कौन कर रहा था? टीटीपी मलाला यूसुफ़ज़ई, सुने जरा एक मिनट सुने, ये जो मलाला यूसुफ़ज़ई जिसको रातों रात उठाकर बाहर ले गए थे और उसको नेशनल कर दिया, कनाडा के अंदर भी उसको ऑनररी जनाब स्कॉलरशिप दी और पीएचडी दी, मलाला यूसुफ़ज़ई की डॉक्यूमेंट्री लीक हुई, बाद में जाकर पता चला कि इनके स्कूल के अंदर सीआईए का एजेंट पठानों का रूप धार कर रह रहा था वहां पर। वो क्या कर रहा था? टीटीपी के साथ डीलें कर रहे थे। जब उनको पता चला दूसरे ट्राइब वालों को कि ये तो दूसरों के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने शूट कर दिया वहां पर।
इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मकसद कहने का यह है, जब भी आपने जाकिर नाइक की एक बड़ी जबरदस्त स्पीच है, इज टेररिज्म मुस्लिम्स मोनोपोली, उसमें उन्होंने हिस्टोरिकली हर चीजों को रेफर करके बताया कि इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें मानी जाती हैं। सुसाइडल बॉम्ब्स, आप उसकी हिस्ट्री पढ़कर देख लें, ठीक है। जो मायोस थे जो श्रीलंका के अंदर उठे और तोड़ा, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को जलाकर खाक बना दिया, इंडिया को डील करने के लिए वहां जाना पड़ा। राहुल गांधी की जान को खतरा था, जिसको बाद में जनाब पूरी प्लानिंग के तहत कहां से लिया गया था, उन्हीं हिंदू कट्टर हिंदू टलियंस की तरफ से जो माओइस्ट मानते थे खुद को। तो बहरहाल बहुत सी चीजें ली जा सकती हैं जिसको समझना है आपने, कि जब आपने टेररिज्म को किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है ना, तो आपको, सॉरी राजीव गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी, राहुल गांधी तो बेचारा यात्रा पर निकला हुआ है, वापस आ गया कि नहीं, हाँ निकला हुआ है, अच्छा खैर, तो राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। तो बस सिर्फ मैं इतनी मेरा भाई ए भाई बात रखना चाहता हूँ और आगे बढ़ेंगे हम, ताकि दूसरे कॉलर्स को ले लूं, कि हमारा मानना यह है आतंकवाद हो हिंसा हो, इसका किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए हर कम्युनिटी के अंदर। अगर आप इसको इस्लाम के साथ जोड़ेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खास करेंगे, तो फिर आपको ऐसे कई केसेस के अंदर सनातन धर्म वालों को भी टेररिस्ट मानना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आरएसएस के कैंप्स में ट्रेनिंग करने वाला एक बंदे ने एफिडेविट जमा कराया कोर्ट के अंदर, रीजनल कोर्ट के अंदर, उसने कहा है कि हमारे कैंप के अंदर ब्लास्ट हो गया जिसमें कई बंदे मर गए, जिसमें बम बनाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे आरएसएस में, इंडिया के अंदर बैठकर उसने एफिडेविट। कौन सा बंदा जी, कौन सा बंदा यार, इसकी मैंने न्यूज पढ़ी थी, मुझे एक मिनट दो जरा मैं बता देता हूँ, एक मिनट दो, का नाम भी था, बताइए, रुको 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 एक मिनट रुको, यशपत शिंदे, ये देखें यशपत शिंदे, ठीक है जी, ये मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं, ये शेयर कर रहा हूं मैं, हाँ एक मिनट, ये मैं शेयर कर रहा हूं, ये देखें जी, ये कारवान है, द कारवान, ठीक है, यशपत, मैं यशपत शिंदे बोल रहा हूं। An RSS worker trained in firearms and bomb making reveals the Sangh's extremist underbelly. ठीक है, क्या कहता है? In a series of four interviews over the course of September, Yashwant Shinde, a former Rashtriya Swayamsevak Sangh Pracharak RSS full-time worker, spoke to Sagar, a staff writer at the Karwan. Shinde explained how he was trained to carry out covert operations in Pakistan and conduct bombing across India that could be blamed on Muslims. मुसलमानों पर नाम आ सके, blame किया जा सके, यशवंत शिंदे जो है इस चीज को लेकर चलता था। In 2003 and 2004, he alleged his fellow trainees bombed mosques in the Maharashtra towns of Jalna, Purna and Prabhani. Others who allegedly helped facilitate the conspiracy have been tied to a bombing campaign that killed more than 120 people over 5 years. Most of Shinde's claims line up with the details of these cases in media reports and court records and media details. It is not possible to fully verify Shinde's claim, theek hai, unless they are tested against evidence such as phone records, training camp registers, forensic reports, and crime scene videos and photographs, which can only be accessed by investigative agencies. Many of these allegations were mentioned in an affidavit. ये मैं बोल रहा था, ये ठीक है? Many of these allegations were mentioned in an affidavit. Affidavit court का record होता है, that Shinde submitted to a district court at Nanded, in which he asked to be made a witness in 2006 Nanded bombing case. The Central Bureau of Investigation or CBI, which had investigated the case and filed a closure report, has opposed his application. Shinde is still devoted to the Sangh Parivar Hindutva ideology. However, he has slowly grown disillusioned with the RSS leadership after seeing many friends lose their lives conducting extremist violence for the Sangh.
ही हैज ग्रोन टू बिलीव दैट द सैक्रिफाइस, ठीक है ये सारा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, मैं आगे नहीं जाना चाहता, बहुत शुक्रिया। इसी मैगजीन की 19 फरवरी 2023 की भी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 19 फरवरी 2023 की शेयर कर दें, कोट शेयर कर, कोट में, हाँ मैं चैट में शेयर कर दे रहा हूँ, चैट में मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप कृपया खोलें और प्लीज इसे पढ़ें। जी जी दे, दे। ठीक है, दे, क्या है? हमेशा एक जी मैंने शेयर कर दिया चैट में, इसको भी खोल के पढ़िए। हाँ एक मिनट रुके, ये मैं पेश कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ जी, ये आपने देखना है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है विटनेस को। ठीक हो गया जी, इनके आर्गुमेंट और जो इन्होंने एफिडेविट दी थी, जी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये देखें जी, 19 फरवरी 2023, नंडेड ब्लास्ट, कोर्ट रिजेक्ट्स फॉर्मर एसएस आरएसएस मैन्स रिक्वेस्ट टू गिव विटनेस अगेंस्ट वीएचपी लीडर, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, क्या करें, उसी एफिडेविट की रिक्वेस्ट को, अब आगे पढ़ देते हैं। हाँ तो रिजेक्ट किया ना, क्यों रिजेक्ट किया है? हाँ उसको लेते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसका फोन रिकॉर्ड लेते हैं, अब ले लेते हैं। On 17 January, the Nanded District Court rejected a former Rashtriya Swayamsevak Sangh member's application requesting he be made a witness in an ongoing trial pertaining to the 2006 Nanded bomb blast. Yashpat Shinde, the former SRSS man, had earlier argued before the court that he had personal knowledge of the conspiracy that led to the blast, which was hatched by the RSS, VHP and Bajrang Dal. Shinde also accused Milind Parande, the current general secretary of the Vishwa Hindu Parishad, of masterminding the blast and requested that he be added as an accused in the case. Since 29 August, Shinde has appeared before the court on 5 hearings. The dismissal of Shinde's application weakens the investigation into the larger conspiracy behind several blasts. Shinde claimed that he was involved in a bomb-making training camp at a resort near Pune in July 2003, which was attended by several others. The conspiracy led to at least 3 bomb blasts at mosque in Parbhani, Purna and Jalna. Besides the accidental Nanded blast, jo accidental hua. Until 2006, the previous bomb blasts were treated as isolated incidents that were unconnected with each other. Shinde's application had claimed the same conspiracy also led to the 2006 Malegaon blast, the 2007 Samjhota Express blast, the 2007 Ajmer Shri blast, the 2007 Makkah Masjid Hyderabad blast and 2008 ka Malegaon blast. Rakesh Dhawade, an accused in the 2000 Malegaon blast, is also an accused in the Nanded blast. If Shinde's claims are true, the bomb blast born out of the conspiracy have killed more than 120, a majority whom were Muslims. The Nanded court, though dismissed Shinde's application on the same grounded as the persecution had previously suggested, as the Nanded blast had links with the several other bomb blasts during the mid-2000s, the CBI had been prosecuting agencies in the case. The agency investigated the case from February 2007. They had filed 2 charge sheets. रुक गया जरा, ये रुक गया, क्या हुआ? जी वेबसाइट आती है, दूरी आती है क्या? पता नहीं, आगे नहीं ना आया, वो कह भी नहीं रहा कि फुल उसको ओपन करें, मेरे ख्याल से शायद सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसे, वो ये बोल रहा है। They had filed 2 charge sheets by March 2009, a closure report into December 2020 before the Nanded, of all which is public knowledge only as a result of Shinde's application. खैर इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि कोर्ट के अंदर उस बंदे ने एफिडेविट दिया जिसको कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? बस अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं, अगर कोर्ट किसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पर राम मंदिर है, राम मंदिर का इशू है, मैं समझाने लगा हूं कोर्ट की टेक्निक, राम मंदिर है, कोर्ट को भी पता है क्या चक्कर है, अब कोर्ट आस्था की बुनियाद के ऊपर कर रहा है, अब वो वीएचपी के आरएसएस के लीडर को उसने होल्ड कर लिया है उनके खिलाफ विटनेस करने के लिए, उन पर प्रेशर नहीं आएगा? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, वहां कोर्ट का आपको हाल बताने लगा, जो आपने किया ना कोर्ट का, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, पहली एपिसोड है उसकी, मोदी अ क्वेश्चन, जिसको बैन कर दिया गया था। बीबीसी बताती है कि कैसे कोर्ट को, लॉयर्स को प्रेशराइज किया गया, कैसे जो आई विटनेसेस थे, जो उस कैबिनेट के अंदर मौजूद थे जब मोदी ने 2002 के अंदर ये कहा था कि सारे पुलिस वाले 3 दिन के लिए पीछे हट जाएं, जो होता है होने दो, बड़े बड़े अधिकारियों को कहा साइड पे हो जाओ, जो बंदा उस वक्त उस कमेटी के अंदर मौजूद था, उस बंदे को विटनेस करने से पहले ही, जब वो फाइनल हियरिंग होनी थी, उस बंदे को गाड़ी के अंदर शूट कर दिया जाता है।
जो ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे उन दंगों के अंदर किसी को मरवा दिया जाता है, और आज तक एक बंदा पता नहीं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, यस आईपीएस ऑफिसर है, वो बंदा आज तक उस पर केस चल रहा है, उसकी बेटी आज तक रो रही है कि मेरे बाप का केस, मेरे बाप के ऊपर चार्जेस क्या है, सारी जिंदगी के लिए उसको अंदर डाल दिए। तो किस तरीके से कोर्ट्स काम करते हैं हमें पता है मेरा भाई, मैंने सिर्फ आपके सामने एक मिसाल रखी थी कि अगर हम इन ब्लास्ट को जो आरएसएस कर रही है, वीएचपी किसी तरीके का दंगा करवाती है या बजरंग दल करती है, हम इसको सनातन धर्म के साथ लिंक नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, मगर अगर कोई किसी किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, फिर हम कहेंगे कि सनातन धर्म भी ये बताता है, और फिर हम शास्त्र भी खोल लेंगे, उनके रेफरेंसेस भी दिखा देंगे कि कहां से ये चीजें निकलती हैं, वरना हम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, बात थी, अब आप बात कर लो। सर मेरे पास बस 30-40 सेकंड का समय है, ठीक है, मैं उसके बाद चला जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी करना है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में ना, जैसे कभी जाइएगा जहां काफी भीड़ भाड़ हो, ठीक है, जैसे कोई भी कंट्री में चले जाइएगा काफी भीड़ भाड़ हो, आप एक बैग लीजिएगा, ठीक है, और बैग को पब्लिक के बीच में फेंकिएगा और अल्लाह अकबर, ठीक है, आप जय श्री राम बोलेंगे या जीजस के बारे में बोलेंगे, पब्लिक नहीं भागेगी, या किसी के बारे में पब्लिक नहीं भागेगी, लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर आप बोल देंगे पब्लिक भाग जाएगी, लोगों के मन में इतना वो है। क्यों भागेगी? नहीं वही तो, क्यों भागेगी? आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, यही समझा रहा हूं कि क्यों भाग रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है मीडिया के थ्रू कि बैग फेंका जाता है, अल्लाह अकबर बोला जाता है और उसके बाद ब्लास्ट होता है, लिहाजा मुसलमान ही होगा। अब मिसाल के तौर पर एक वो मूवी है, मैं रिकमेंड नहीं कर मूवी, उसमें इस चीज को बड़े जबरदस्त तरीके से दर्शाया गया, द डिक्टेटर, वो बड़ी कॉमेडी मूवी है। उसके अंदर ना वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कहता है मैंने सैर करनी है हेलीकॉप्टर पे, अब उसमें वो अरबी में कुछ वर्ड बोलता है, ऐसे करके ना कुछ बोलता है, 9/11, 9/11, हाँ मैंने वो सीन देखा, हाँ सीन देखा होगा, 9/11 has a plane, किधर किधर किधर, इस तरह बोलता है, लादेन का भी नाम लेता है, हाँ लादेन का भी नाम लेता है, और जैसे ही नाम लेता है अगलों के शॉट हो जाते हैं, वो कहते हैं ये कहाँ फंस गया हम, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि आप जो बात कर रहे हो ना, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मोमेंटम बना, मगर देखना ये चाहिए कि ये क्यों बना, कैसे बना, किस तरीके से ये बनाया गया। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ये कर रहा है, यानी आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ना सोचिए, हर मुस्लिम ऐसा नहीं कर रहा है। मेरे भी फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक तो आर्मी में है और एक थोड़ा सा साइंटिफिक कम्युनिटी में गया है, अच्छा खासा अपनी कंट्री को सर्व कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब फालतू की बातों से, फालतू की चीजों से, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, आपसे बात करके बढ़िया लगा, थैंक यू भाई, धन्यवाद, थैंक यू।